मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम लाइट होता है। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है। तभी मौसम खराब होने लगता है और तेज हवाएं चलने लगती हैं। तभी आसमान से एक किताब नीचे गिरती है जो लाइट को मिल जाती है। लाइट उसे चेक करता है और अपने पास रख लेता है। यहाँ पर हम ये देख पाते हैं कि ये कोई नॉर्मल बुक नहीं बल्कि एक एंशिएंट बुक है। तभी बारिश होने लगती है और लाइट अंदर जाने लगता है। तभी लाइट देखता है कि स्कूल का एक बुरा लड़का एक दूसरे लड़के को परेशान कर रहा है। तो लाइट उस लड़के को ऐसा करने से मना करता है, पर बदले में वो लड़का उसे पंच मारता है। लाइट के साथ साथ उसका बैग भी नीचे गिर जाता है। एक टीचर को लाइट के बैग से दूसरे बच्चों के नोटबुक्स मिल जाते हैं। यहाँ पर हमें लाइट का सीक्रेट पता चलता है कि वो दूसरे स्टूडेंट्स के होमवर्क करता है। इस बात की वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास लाया जाता है। पनिशमेंट के तौर पर लाइट को अकेले एक रूम में रखा जाता है। जब वो अकेला बैठा होता है तो उसे वो बुक याद आती है। फिर वो उस बुक को पढ़ने लगता है। लाइट देखता है कि ये कोई सिंपल बुक नहीं है बल्कि ये बुक रूल से भरी हुई है, यानी इस बुक को रखने के भी रूल्स थे। लाइट देखता है कि ये बुक सदियों पुरानी है। इस बुक को पढ़ते हुए लाइट को बहुत अजीब फील होता है। जब वो इस बुक को पढ़ना शुरू करता है तब वहाँ पर अजीब चीजें होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर लाइट एक चीज को नोटिस करता है। वो देखता है वो चीज कोई इंसान नहीं बल्कि एक क्रीचर था। उसकी बॉडी पर नुकीले कांटे लगे हुए थे और वो बहुत ही डरावना था। उसे देखकर लाइट बहुत डर जाता है, पर बाद में उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि ये कोई क्रिएचर नहीं बल्कि एंजल ऑफ डेथ है, यानी कि मौत का फरिश्ता, और ये इस बुक का गार्डियन है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को इस बुक की रियलिटी बताता है कि ये क्या क्या कर सकती है। इस बुक में कुछ नोट्स है जिन्हें डेथ नोट कहा जाता है, और जिस इंसान के पास ये बुक होती है वो इसका मालिक होता है। इस वक्त ये लाइट के पास थी, इसलिए लाइट इसका मालिक था। इस बुक की खास बात ये थी कि इसके डेथ नोट पर जिसका भी नाम लिखा जाएगा वो मर जाएगा। बुक का मालिक अपने पसंद के तरीके से किसी को भी मार सकता है, यानी वो कोई भी तरीका सोचकर बुक में लिख दे तो मरने वाला सेम उसी मेथड से मरेगा। पर ऐसा करने के लिए ओनर को कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। फिलहाल लाइट को इस बात पर बिलीव नहीं होता। जो बुक के साथ एंजल ऑफ डेथ होता है वो उसी को नजर आता है जो इस बुक का मालिक होता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि अगर 7 दिन के अंदर लाइट ने इसमें किसी का नाम नहीं लिखा तो ये बुक किसी और के पास चली जाएगी। बुक में नाम लिखने की शर्त यह है कि ओनर को उसका असली नाम और चेहरा जरूर याद होना चाहिए, और मौत का कोई एक ऐसा तरीका लिखना होगा जो असलियत में होगा। एंजल ऑफ डेथ कहता है कि तुम्हें एक बार इस बुक को जरूर आजमाना चाहिए। तभी लाइट विंडो से उस बुरे लड़के को देखता है जो उस वक्त भी किसी को परेशान कर रहा था और उसने लाइट को भी मारा था। एंजल ऑफ डेथ की बात मानकर लाइट उस बुक में उस लड़के का नाम लिख देता है, और उस लड़के की डेथ का तरीका वो ये लिखता है कि उसका सर क्रश हो जाएगा। तभी हम बाहर का नजारा देखते हैं जो अचानक से बदल जाता है। दो कार्स आपस में टकरा जाती है। एक कार में लोहे के लैडर्स थे जिसे उस बुरे लड़के का सर सच में क्रश हो जाता है। लाइट के साथ साथ सभी लोग भी ये देखकर बहुत डर जाते हैं। ये सब देखकर अब लाइट को भी यकीन आ गया था जो भी उसे एंजल ऑफ डेथ ने बताया है वो सब सच है। लाइट बहुत घबरा जाता है। एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि तुम इस बुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो, पर अगर तुम इस बुक को लेना नहीं चाहते तो मैं इस बुक का मालिक किसी और को बना दूंगा। इसके बाद लाइट अपने घर आ जाता है जहां पर हम लाइट के फादर को देखते हैं जो कि एक डिटेक्टिव थे। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मदर का मर्डर कर दिया था, पर कोई प्रूफ ना मिलने की वजह से वह क्रिमिनल खुला घूम रहा है। इस बात की वजह से इन दोनों के रिलेशन कुछ ठीक नहीं थे। लाइट अपने फादर से नाराज होता है कि आप मेरी मदर की मौत का बदला क्यों नहीं ले रहे हैं। इस बात को लेकर लाइट हमेशा अपसेट ही रहता था। फिर लाइट को एक आइडिया आता है कि वो उस क्रिमिनल का नाम भी उस डेथ नोट में लिख देगा, और वो ऐसा ही करता है। वो क्रिमिनल का नाम डेथ नोट में लिख देता है। फिर हमें क्रिमिनल दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, पर तभी देखते ही देखते उस क्रिमिनल की वहाँ पर डेथ हो जाती है। जब इन दोनों बाप बेटों को उस क्रिमिनल की डेथ की खबर मिलती है तो ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। यहाँ
यहाँ पर लाइट ने अपनी मदर का बदला भी ले लिया था और लाइट और उसके फादर का रिलेशन भी अच्छा हो गया था। फिर लाइट सोचता है कि इस बुक का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए कैसे किया जाए। लाइट स्कूल में बैठकर यही बात सोच रहा था तभी उसके पास एक लड़की आ जाती है जिसका नाम होता है मियाँ। मियाँ लाइट की बेस्ट फ्रेंड होती है, इस वजह से लाइट उसे अपना सीक्रेट बता देता है कि उसे एक बुक मिली है, उस पर अगर किसी का नाम लिख दिया जाए तो उसकी डेथ हो जाएगी। पर मियाँ इस बात पर बिलीव नहीं करती। इस बात को प्रूफ करने के लिए लाइट मियाँ को लाइव न्यूज दिखाता है जहां पर एक किला दिखाया जाता है। लाइट उस किला का नाम डेथ नोट में लिख देता है कि एक गाड़ी उसे हिट कर देगी, उसकी वजह से वो मर जाएगा। लाइट को उस किला का नाम और चेहरा पता होता है, इसलिए बिल्कुल ऐसा ही होता है। यह देखकर मियाँ बहुत शॉक्ड हो जाती है। लाइट कहता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है और हम इस ताकत की मदद से बुरे लोगों को मिटा सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें बुरे लोगों के नाम चेहरे इजीली इंटरनेट से मिल सकते थे, इसलिए वह बुरे लोगों की एक लिस्ट बना लेते हैं और बुरे लोग धीरे धीरे मरने भी लग जाते हैं। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि बुक का ओनर मरने वाले पर अपना कंट्रोल भी कर सकता है। लाइट अपने लिए एक नाम चुनता है, वो था कीरा। यानी जब भी कहीं पर कोई मरता था तो लाइट वहां पर कीरा लिख देता था ताकि बुरे लोगों में इस नाम का डर फैल जाए और वो गलत काम छोड़ दे। और होता भी ऐसा ही है, क्रिमिनल्स में दहशत फैल जाती है कि बुरे लोगों को मारने वाला कीरा आ गया है। देखते ही देखते ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल जाती है कि कोई सीरियल किलर आ गया है जो सबको मार रहा है। कई लोग कीरा को सपोर्ट भी कर रहे थे कि इस तरह दुनिया से बुरे लोग खत्म तो होंगे, क्योंकि था तो वो किलर ही, इसलिए पुलिस उसे पकड़ना चाहती थी। पर कोई भी सबूत लाइट के खिलाफ नहीं था तो उस तक पहुंचना नामुमकिन था। फिर एक इंटेलिजेंट डिटेक्टिव इस केस के लिए हायर किया जाता है, इसका नाम होता है एल, जो बहुत ही स्मार्ट होता है। वो हमेशा अपने फेस को कवर करके रखता है और उसका असली नाम भी कोई नहीं जानता था। लाइट और मियाँ अपनी लाइफ में बहुत खुश थे और 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। एल एक कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि कीरा तुम सबके सामने आ जाओ। एल क्योंकि बहुत ही स्मार्ट था तो वो इस केस को स्टार्टिंग से देखता है और लाइट के फादर भी एक डिटेक्टिव थे, इसलिए वो उन्हें भी अपने साथ शामिल कर लेता है ताकि वो जल्द से जल्द कीरा तक पहुंच जाए। लाइट और मियाँ बहुत डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि उन्हें पकड़ने के लिए भी कोई साजिश की जाएगी। अभी तक उन्हें यह सब करने में मजा आ रहा था, पर एल के आने से उनकी टेंशन बढ़ जाती है। लाइट अपने फादर से पूछता है कि अगर कीड़ा को पकड़ लिया जाएगा तो उसके साथ क्या किया जाएगा। लाइट के फादर कहते हैं कि आधे लोग कहेंगे कि कीड़ा को फांसी दी जाए और आधे लोग कहेंगे कि इसने ये कैसे किया, इस बात पर रिसर्च की जाए। ये सुनकर लाइट की परेशानी और बढ़ जाती है। ये बात लाइट मियाँ को भी बताता है और उसे कहता है कि अब हमें ये सब कुछ रोक देना चाहिए, क्योंकि एल की लिस्ट में बहुत सारे लोग थे जिनमें लाइट भी शामिल था, क्योंकि वह अपने फादर के डाटा को इजीली एक्सेस कर सकता था। इसीलिए एल लाइट के पीछे एक एजेंट को लगा देता है ताकि वह लाइट पर नजर रख सके। पर जैसे ही लाइट को ये बात रियलाइज होती है तो वह खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करता है। बुक में लाइट का इंटरेस्ट कम होता देखकर मियाँ को बुरा लग जाता है, क्योंकि ये सब करके मियाँ बहुत खुश थी। लाइट और मियाँ के लिए एल रास्ते का पत्थर बन गया था, पर वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकते थे, क्योंकि ना ही वो उसका असली नाम जानते थे और ना ही उन्होंने उसका चेहरा देखा था जो कि बुक का रोल था। लाइट और मियाँ ये बात डिस्कस कर रहे होते हैं कि इस बुक में उन लोगों के नाम लिखने चाहिए जो कीरा को ढूंढ रहे हैं, ताकि बाकी लोग कीरा से डर जाए और मजबूरन इस केस को बंद कर दे। ये सारा मियाँ का प्लान था, पर लाइट ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि वो मासूम लोगों की जान नहीं लेना चाहता था। इसलिए मियाँ को लाइट की बात माननी पड़ती है। दूसरी ओर एल को भी ये पता चल जाता है कीरा ने सिर्फ उन लोगों को मारा है जिनको टीवी पर दिखाया गया है
और कीरा उन लोगों को नहीं मार सकता जिनका नाम और फेस उसे नहीं पता हो। लाइट पर शक ना आए इसलिए वो डिसाइड करता है कि कुछ दिन वो लोगों को नहीं मारेगा। लेकिन तभी एक इंसिडेंट हो जाता है। जितने भी एजेंट कीरा को ढूंढ रहे होते हैं वो सब एक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। पर ये नाम तो लाइट ने नहीं लिखे थे, तो फिर ये नाम किसने लिखे थे? और यहाँ से सिचुएशन खराब हो जाती है, क्योंकि अभी तक कीरा सिर्फ बुरे लोगों को मारता था और सब उसे हीरो समझ रहे थे। पर अब उसने पुलिस वालों को भी मार दिया था और अब वह कोई हीरो नहीं बल्कि सबके लिए खतरा बन गया था जो किसी को भी मार सकता है। इस बात को लेकर लाइट बहुत परेशान हो जाता है। वो एंजल ऑफ डेथ से पूछता है, क्या ये सब कुछ तुमने किया? तब एंजल ऑफ डेथ कहता है कि ये काम किसी और ने किया है, क्योंकि ये काम मैं नहीं कर सकता। लाइट के फादर अपनी एक कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इनोसेंट लोगों को मारना बंद कर दो, अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ और सबके सामने आ जाओ। ये न्यूज मियां और लाइट भी देख रहे थे। गुस्से में आकर मियां लाइट से कहती है कि तुम अपने फादर का नाम भी इस बुक में लिख दो। पर लाइट मियां से कहता है कि मैं अपने फादर को कैसे मार सकता हूँ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? एल अब और भी समझदारी से इस केस को हैंडल कर रहा था। वह देखना चाहता था कि लाइट के फादर को कीरा मारेगा या नहीं, पर ऐसा नहीं होता। लाइट के फादर नहीं मरते, इसलिए एल का जो शक लाइट पर था वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि लाइट के फादर भी तो एक डिटेक्टिव ही है जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। पर कीरा ने उन्हें नहीं मारा, यानी कीरा कोई और नहीं लाइट ही है। इसीलिए एल लाइट से मिलता है और उसे उगलवाने की कोशिश करता है कि तुम ही कीरा हो। एल लाइट से बहुत सारे क्वेश्चंस भी करता है और उसे अपना चेहरा भी दिखाता है और कहता है कि ये सब करना बंद कर दो। लाइट एल की बातों को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। अब खतरा लाइट के साथ ही था, पर वो चाहते हुए भी एल को नहीं मार सकता था। मियां लाइट से कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इस मुसीबत से निकलने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। एल को अपने रास्ते से हटाने के लिए लाइट बहुत सोचता है। वो मियां से कहता है कि एल का चेहरा तो मैं देख ही चुका हूँ, मगर एल का असली नाम उसका फ्रेंड जरूर जानता होगा। लाइट एल के फ्रेंड का नाम उस बुक में लिख देता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। यहाँ पर बुक का एक और रूल सामने आता है कि अगर ओनर ने किसी के नाम वाला पेज जला दिया तो वो आदमी बच जाएगा और उसे कुछ भी नहीं होगा। पर एंजल ऑफ डेथ लाइट को बताता है कि ऐसा सिर्फ एक बार ही होगा। अब एल का फ्रेंड लाइट के कंट्रोल में आ जाता है, पर वो भी एल का असली नाम नहीं जानता था। लाइट उसे कहता है कि किसी भी तरह एल का असली नाम पता लगाओ। तब एल का फ्रेंड लाइट को बताता है कि एल एक एकेडमी में जाता था, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स में उसका असली नाम हो सकता है, इसलिए लाइट उस एकेडमी में जाने के लिए कहता है। एल का फ्रेंड ऐसे ही करता है और एकेडमी में चला जाता है। लाइट का प्लान होता है कि जब उसे एल का असली नाम पता चल जाएगा तो वो उस पेज को जला देगा जिस पर एल के फ्रेंड का नाम लिखा होगा, जिसे उसकी जान बच जाएगी और सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। पर एल को पता चल जाता है कि उसका फ्रेंड गायब है। उसे सारी बात भी समझ आ जाती है कि लाइट ने उसे भी अपने कंट्रोल में ले लिया है मेरा असली नाम जानने के लिए। इस बात से एल बहुत घबरा जाता है, इसलिए एल बिना बताए लाइट के घर चला जाता है। वो लाइट के फादर को बताता है कि आपका बेटा ही कीरा है और इसी ने ही मेरे फ्रेंड को गायब किया है। पर लाइट के खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से कोई भी एल पर विश्वास नहीं करता। एल लाइट के घर की तलाशी भी लेता है, पर उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिलता, ना ही वो डेथ बुक मिलती है, क्योंकि मियां उसे अपने साथ ले गई थी। फिर लाइट को एल के फ्रेंड का फोन आता है कि मैं एकेडमी पहुंच गया हूं, पर उसके पास थोड़ा ही टाइम रह गया था। एल का फ्रेंड नाम बताने ही वाला होता है और लाइट उस पेज को जलाने के लिए ढूंढने लगता है जिस पर एल के फ्रेंड का नाम लिखा होता है, पर उसे वो पेज बुक में कहीं नहीं मिलता और नाम बताने से पहले ही एल के फ्रेंड की मौत हो जाती है। इस बात से लाइट को बहुत दुख होता है।
फिर एक डांस पार्टी में मियां लाइट को बताती है कि एल के फ्रेंड के नाम वाला पेज मैंने ही फाड़ा था और पुलिस ऑफिसर के नाम भी उस बुक में मैंने ही लिखे थे, और वो बताती है कि अब मैंने इस बुक में तुम्हारा नाम भी लिख दिया है। मियां बताती है कि मैंने तुम्हारी मौत का तरीका ये लिखा है कि तुम्हारी हार्ट बीट आधी रात में बंद हो जाएगी और तुम मर जाओगी। मियां कहती है कि अगर तुम ये बुक मुझे दे दोगे तो मैं तुम्हारे नाम वाला पेज जला दूंगी। यहाँ हमें पता चलता है कि मियां ने बुक को हासिल करने के लिए लाइट को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। दूसरी तरफ जब एल को अपने फ्रेंड के मौत के बारे में पता चलता है तो वह लाइट के पीछे पड़ जाता है और एल लाइट को पकड़ ही लेता है, मगर एल पास खड़े एक शेफ को बोलता है ये कीड़ा है मेरी मदद करो इसे पकड़ने में, पर वो शेफ एल को ही बेहोश कर देता है क्योंकि वो कीड़ा का सपोर्टर था। भागते भागते लाइट और मियां दोनों एक बड़े झूले में आ जाते हैं और ऊपर ही फंस जाते हैं, और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। ऊपर लाइट मियां को कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम इस बुक को टच भी नहीं करोगी, हम एक साथ सब कुछ नॉर्मल कर देंगे। पर मियां लालची हो गई थी तो वो लाइट की बात नहीं मानती और बुक को लाइट से छीन लेती है। ये देखकर लाइट मियां से कहता है कि ये तुमने बहुत गलत किया है। ये सुनकर मियां समझ जाती है कि लाइट ने इस बुक में मेरा भी नाम लिख दिया है। दोनों के नाम बुक में लिखे हुए थे तो अचानक से दोनों नीचे गिर जाते हैं। मियां की मौके पर ही मौत हो जाती है और लाइट पानी में जाकर गिरता है। अगले सीन में हम लाइट को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि कोमा में चला गया था, पर अभी भी बहुत से क्रिमिनल्स की मौत हो रही थी। लोग कहते हैं कि एल का शक तो लाइट पर था, पर वो तो कोमा में चला गया है, मगर फिर भी लोग मर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि जब मियां और लाइट झूले से गिर रहे थे, एक पेज बुक में से निकलता है और जल जाता है, और उस पेज में लाइट का नाम लिखा हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब लाइट को पता चलता है कि मियां ने उसका नाम बुक में लिख दिया है तो लाइट बुक में ये लिखता है कि अगर मियां उसे बुक ले लेगी तो वो मारी जाएगी, और जिस पेज पर लाइट का नाम लिखा हुआ होगा वो जल जाएगा और लाइट पानी में गिर जाएगा। इसी के साथ साथ लाइट ने बहुत सारे बुरे लोगों के नाम भी बुक में लिख दिए थे। एक बुरा डॉक्टर लाइट को पानी से बाहर निकालता है और उसे कोमा में भेज देता है, और बाद में वो बुरा डॉक्टर खुद भी सुसाइड कर लेता है। एक और आदमी उस बुक को ले जाता है और उस बुक में बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख देता है। बाद में वो आदमी उस बुक को लाइट के पास ले आता है। लाइट भी अब कोमा से बाहर आ जाता है। इस सब के बाद एल को सस्पेंड कर दिया जाता है और वो आखिरी बार मियां के घर की तलाशी लेता है, और वहां एल को मरने वाले सारे पुलिस ऑफिसर के नाम मिल जाते हैं, जिससे सारा शक मियां पर चला जाता है। अब बुक भी लाइट के पास वापस आ जाती है और लाइट भी धीरे धीरे ठीक हो जाता है। एंड में लाइट कहता है कि इस दुनिया में कोई भी भरोसे के लायक नहीं है और वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर पाएगा, और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।